दोस्तों, मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और आज आपको इस वीडियो में मैं इंडक्शन कुकटॉप प्रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इंडक्शन कुकटॉप देख रहे हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन है, चल रहा है, लेकिन जब इस पर कोई हम बर्तन रख रहे हैं तो वह हीट नहीं हो रहा है। जैसे कि आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटाने पर कोई हीट नहीं हो रही है और E0 एरर भी इसके अंदर आ रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसकी नो हीटिंग की प्रॉब्लम है। तो आज इस समस्या को हम इस इंडक्शन कुकटॉप से ठीक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जब हम इंडक्शन कुकटॉप की कॉइल पर एसी वोल्टेज को मेजर करेंगे ऑन कंडीशन में, तो यह करीब 450 के लगभग रीडिंग देगा। लेकिन आप देख सकते हैं कोई रीडिंग मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। और जो हीटिंग नहीं हो रही है वो इसी कारण से नहीं हो रही है। तो अब हम फॉल्ट को ढूंढेंगे और इस समस्या को दूर करेंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम इंडक्शन कुकटॉप के कंपोनेंट्स को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड, हम इसके IGBT को चेक करेंगे और उसके बाद इसके रेक्टिफायर डायोड को चेक करेंगे। इन दोनों को चेक करने की मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ पहले से ही, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप चाहें तो फुल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है कि मल्टीमीटर को डायोड नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करना है, और उसके बाद इसकी कोई भी दो पिन को सिलेक्ट करना है। उसमें एक तरफ से रीडिंग शो होगी और दूसरी तरफ से कोई रीडिंग शो नहीं होगी। सभी पिन पर अगर ये कॉम्बिनेशन मिलाते हुए रीडिंग एज इट इज़ आ रही हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपके कंपोनेंट ठीक हैं। और जैसे कि हमने चेक किया, हमको यह पता चल गया कि ये दोनों कॉम्पोनेंट ठीक हैं और प्रॉब्लम किसी और कॉम्पोनेंट में आ रही है। चलिए फ्रेंड, अब इसके फ़िल्टर कैपेसिटर को चेक करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फ़िल्टर कैपेसिटर को सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम इसको 100% एक्यूरेसी के साथ चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, अब मैं इसको चेक करूंगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को इसके कैपेसिटर नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करिए और इसको मेजर करिए। तो आप देख सकते हैं यह कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, जिससे यह पता चलता है कि यह ओपन हो चुका है और ख़राब है। अब मैं आपको सही फ़िल्टर कैपेसिटर को चेक करके दिखाता हूँ। और जब सही फ़िल्टर कैपेसिटर को चेक किया, तो यह एग्जैक्ट रीडिंग दिखा रहा है जितने का ये है। तो फ्रेंड, अब हम इसको अपने सर्किट में लगाएंगे। फ्रेंड, इसको सर्किट में लगा चुके हैं। अब हम इंडक्शन कुकटॉप को ऑन करते हैं और कॉइल पर वोल्टेज को मेजर करते हैं। और आप देख सकते हैं वोल्टेज कॉइल पर आ चुकी है और 470 वोल्टेज के करीब एसी वोल्टेज इसके अंदर आ रही है, जिससे यह पता चलता है कि ये ठीक है। और हमारा बर्तन भी में के अंदर जो पानी है वह भी गर्म होना स्टार्ट हो गया है, और हमारी जो समस्या थी नो हीटिंग की वह सॉल्व हो गई है। हमने केवल इसके अंदर फिल्टर कैपेसिटर को चेंज किया है, जो कि ओपन हो चुका था, और हमारी समस्या दूर हो गई। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, सभी कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।